एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं 99 मीम्स कंपाइलेशन बाय मी महबूब। तो वी आर गोइंग टू सी देयर रीसेंट वीडियो तो मी महबूब का, एंड मतलब इनके वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। तो इनका जो रीसेंट वीडियो है, हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल ना बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक है हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। लेकिन एक सेकंड, आप दोना। A few moments later. Oh my God. भाई मजा आया। आप मुझसे बोर हो गए हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ। तो फिर चलो ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। सच तो फिर बताना पड़ेगा कि क्यों भाग रहे हो, और डेयर तो फिर मैं अपना ब्लाउज निकाल सकती हूँ और तुम अपनी पैंट। ग्रोथ उसके जीन्स और हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। और सर इसीलिए शायद कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, राइट सर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हार्मोन्स की ही वजह से ही कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। किसी के बाल नहीं होते हैं तो किसी लड़की के मूछें आ जाती हैं। जी सर, अब जैसे मेरे इतने बड़े और आरोही के है भी नहीं। क्या सोच रहे थे? दोस्तों, तो कल मेरा वाइवा था और मुझे घर के लिए बहुत लेट हो रहा था क्योंकि मेरा रोल नंबर बहुत पीछे था। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने सर से कहा कि सर आप जो भी क्वेश्चन पूछना एक लाइन में पूछना और मैं आंसर भी सारे एक लाइन में दे दूंगा। तो सर ने पूछा कि दिल्ली में किसकी सरकार है, सोनिया जी का राहुल जी से क्या रिश्ता है, आँखों के ऊपर वाली चीज़ को क्या कहते हैं, और कोई फल खराब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने एक लाइन में आंसर दे दिया, आपकी माँ का भो सड़ा। Yeah, tell me. Please call 911. Please help. 911. No, Mr. Please tell them that I need someone. Tell them what? What? Tell them that I need someone to open my bra. ये क्या बात? ये क्या बात करते हैं यार? To open my bra. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना? वाह क्या सीन है? भूल जाओ मुझे तेज। इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक राम की हो चुकी। अंजलि जी, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। Not bad. Now you. अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा। दीवानों का हाल हुआ, अरे हमको तुमसे प्यार हुआ, देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले हमेरी बेखबर। नानू, कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? चाहिए न राय ज्ञान देने के बजाय, बुद्धि तंदुरुस्ती के लिए बता दो एक उपाय, नाम मेरा ले बकचोदी, जब भी मन में आए बॉन्ड वीटा छोड़ कल से ट्राई कर, तो सुट्टा चाहिए। मैं नहीं कहता ये बुद्धिजीवी मानते, हरामी जो बड़े बड़े मशहूर अपने कांड से। भाई कुछ पढ़ाई पे हो जाए। पढ़ाई पे? हाँ। सुबह सुबह उठो और पढ़ाई पे दो ध्यान। वाह। सुबह सुबह उठो और पढ़ाई पे दो ध्यान। पहले खुद करो फिर दूसरों को देना ज्ञान। Once more. ए छोटे, आज रिश्तेदारों को खुश हो जाए। हाँ छोटे हो जाए। कि जो काम हमें पसंद नहीं वो आप ना किया करो।
कि जो काम हमें पसंद नहीं वो आपने किया करो, और आपको हमारे पढ़ाई और मार्क्स की बहुत चिंता है, स्कूल का फीस भी दे दिया करो। वही रोक साले में आ रहा ये है आम जिंदगी। अबे सस्ते कमेंट सिंह मेरी बुलेट है ये। रोक रहा हूँ सर, बहुत ही मद्दी चला रहा था सर, भाग रहा। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। अरे कभी तो बड़ा सोच भाई, चल सोच के तूने अपनी छोटी सी दुकान की जगह पे एक बड़ी आलीशान दुकान बना ली, तो उसके लिए तुझे कितने पैसे लगेंगे? कुछ नहीं। रुको जरा, सबर करो। क्यों कुछ नहीं? सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं। अब कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? पनवेल से। तो क्या करते हो आप? कुछ नहीं, टाइम पास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मतलब कुछ तो करते होगे, कोई काम धंधा? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं करता। तो दहाई लिया करो, इतना टाइम है तुम्हारे पास। ना के कौन सी मेरे लिए करीना कपूर लोएगी। क्या बात है सर, ये बात है। मजा आया। अच्छा ये बताओ कि इंसान शादी क्यों करता है? पति पाने के लिए। और बच्चा? सेक्स के लिए करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता है तुम्हें, तुम्हारी उम्र में जब मैं थी ना तो दिन में 5-5 बार सेक्स करती थी। Well done. रुको जरा, सबर करो। जितनी तो भूख नहीं लगती थी उससे ज्यादा सेक्स लगता था। आज देखो, तुम्हारे भैया का मन था पुलिस वाली बनी, अब पता नहीं कैसे रानी ने ऋषि को अंदर बुलाया है किचन में। बताइए आपकी क्या हॉबीज हैं? हॉबी क्या ही है कि क्या है जी, बता रहा हूँ। छुट्टी के दिन बस पड़ोसी घेर लेते हैं, कहते हैं कभी फ्रिज ठीक करके दे दो तो कभी पंखा। इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, इंजीनियर हूँ, बताया होगा आपको। अरे वाह, ये तो बड़ी सही टाइमिंग होगी। थैंक यू। लगे हाथ हॉबी टेस्ट कर लेते हैं, ये खराब पड़ा है कितने टाइम से, ये ठीक कर दो। भैया चलो मतलब पक्का ठीक ऐसे कौन बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, सीरियसली ये वाला वीडियो देख के मजा तो आया है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।